ARQ प्रोटोकॉल, दैट इज ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट फॉर रिपीट. इसके अंतर्गत हम लोग तीन प्रोटोकॉल्स पढ़ चुके हैं. एक है स्टॉप एंड वेट, दूसरा है स्लाइडिंग विंडो. उस स्लाइडिंग विंडो के दो वेरिएंट्स हैं, दो तरीके हैं. एक है गो बैक टू एन और एक है सिलेक्टिव रिपीट. अब इन तीनों को हमें देखना है ऑन द बेसिस ऑफ कि इनकी इफिशियंसी क्या है. तो अभी हम यहां डिस्कस करने वाले हैं इफिशियंसी ऑफ ARQ प्रोटोकॉल. ARQ प्रोटोकॉल मतलब जो ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट फॉर रिपीट कर देता है. इसमें हमारे पास कुछ फीचर जो ऐड किए हुए थे, जैसे कि निगेटिव एक्नोलॉजमेंट और टाइमर का फीचर जो ऐड किया हुआ है, उसकी वजह से अगर कोई फ्रेम जो है लॉस्ट होती है, डैमेज हो जाती है, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली एक NAK जनरेट किया जा सकता है. अगर एक डैमेज फ्रेम है, लॉस्ट फ्रेम के लिए टाइमर फंक्शन यूज किया जा सकता है, और वो टाइमर फंक्शन की वजह से रिपीट टेलीकास्ट मतलब रिपीट होगी, आपकी फ्रेम वापस से रिट्रांसमिट होगी. ये फंडामेंटल है, हम इन फंडामेंटल को पहले से ही देखते हैं, समझ चुके हैं. अब अगर हमें इफिशियंसी की बात करनी है, इफिशियंसी किसी भी सिस्टम की या किसी भी अगर प्रोटोकॉल के बारे में बात करें, तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द टाइम विच इज यूटिलाइज्ड. अब जो टाइम है, बेसिकली इफिशियंसी में वो टाइम जो कि यूजफुल टाइम है अपॉन द टोटल टाइम, क्योंकि चैनल का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना टाइम यूटिलाइज किया गया है, और यूटिलाइज वही टाइम कहलाएगा जिसमें हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जो डेटा ट्रांसमिशन का टाइम है वो यूजफुल टाइम कहलाएगा. और बाकी अदर टाइम जो है, जो प्रोसेसिंग टाइम है या अगर क्यूइंग टाइम है, अभी हम देखेंगे कि प्रोसेसिंग टाइम, क्यूइंग टाइम, ये सारी चीज़ें क्या है, बट अगर ये सारे टाइम है तो ये सारे जो टाइम है वो सब आपके टोटल टाइम का कंसिडरेशन, मतलब वो एक्स्ट्रा टाइम है जिन जिनकी वजह से आप क्या कर कह सकते हैं कि इफिशियंसी हमारी कम हो रही है. अगर यूजफुल टाइम जितना आपने यूज किया है और टोटल टाइम भी अगर यूजफुल टाइम के बराबर है, तो आपकी इफिशियंसी 100% होगी. बट ऐसा जनरली नहीं होता, प्रैक्टिकल सिस्टम्स में इट्स नॉट पॉसिबल. हम सबसे पहले अभी यहाँ पे स्टॉप एंड वेट के बारे में बात करेंगे कि स्टॉप एंड वेट जो प्रोटोकॉल है उसकी इफिशियंसी हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारे टाइम पता होने चाहिए कि कौन कौन से टाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड है. तो सबसे पहले अगर दिस इज द सेंडर एंड और ये रिसीवर एंड है, तो सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि सेंडर जो है एक पैकेट बनाएगा, एक फ्रेम बनाएगा, और इस फ्रेम को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा. मान लेते हैं ये है आपका फ्रेम, और ये फ्रेम जो है स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है और ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाता है. सो ये इसकी फर्स्ट बिट स्टार्ट हुई, जो पूरा का पूरा जब तक फ्रेम यहां से लेके यहां तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक जो टाइम है, मतलब ये जो फ्रेम टाइम है, दिस इज नोन एज फ्रेम टाइम, और दैट कैन ऑल्सो बी सेड एज डेटा टाइम. इट इज डिनोटेड बाय टी, इन सफिक्स टी मैं यहाँ पे डेटा लिख रही हूँ, सो दैट ये पता करने के लिए कि ये जो टाइम है, इतना जो है आपका फ्रेम टाइम है, या इतना जो है डेटा, स्पेसिफिकली हमारा जो डेटा हमने भेजा वो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जितनी बड़ी फ्रेम थी उतना जितना लेंथ होगा उतना उसको पहुँचने में, मतलब पहली बिट पहुँची और यहाँ पर पहुँची आखिरी बिट. तो ये जो टाइम है ये डेटा का टाइम है, ये तो डेटा का टाइम है. साथ ही साथ हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू रीच, पूरी की पूरी फ्रेम जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना पूरा टाइम चाहिए, तो वो टाइम है TP, क्योंकि प्रपोगेशन टाइम है. मतलब पहली बिट पहुंची और फ्रेम की आखिरी बिट पहुंची, तो हमारा डेटा एक एंड से दूसरे एंड पहुंच गया, लेकिन पहली बिट और आखिरी बिट के पहुंचने में इतना टाइम गैप गया, तो वो प्रपोगेशन टाइम होगा. जब ये रिसीविंग एंड पे आया, तो इसके बाद यहाँ पर कुछ क्यूइंग, क्योंकि आगे जैसे ही फ्रेम आएगी वैसे के वैसे ही वो प्रोसेस नहीं होने लग जाएगी, उसके बाद उसमें एक क्यूइंग टाइम, उसको कुछ जगह पे स्टोर किया जाएगा, वो एक क्यू में रहेगी, और फिर उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा. तो ये PQ जो है, ये क्यूइंग टाइम है, क्यू टाइम, और ये दूसरा एक और टाइम है जो कि है PRO लगा रहे हैं हम, सो ये प्रोसेसिंग टाइम है. सबके नाम
अलग अलग है। ये प्रोपोगेशन मतलब ये प्रोपोगेशन टाइम है, ये डेटा की फ्रेम का साइज है तो डेटा टाइम है, ये जो है ये क्यूइंग टाइम है, ये जो है प्रोसेसिंग टाइम है। जैसे ये प्रोसेस हुआ, स्टॉप एंड वेट का फंडामेंटल हमें पहले से ही पता है कि भाई जब तक एक फ्रेम जाएगी फिर उसका एक्नोलेजमेंट जनरेट होगा, तो ये प्रोसेसिंग टाइम है वो जिसमें वो एक्नोलेजमेंट जनरेट होगा। एक्नोलेजमेंट जनरेट होने के बाद उसे क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो ये एक्नोलेजमेंट जनरेट हुआ तो एक्नोलेजमेंट का टाइम भी वही रहेगा टी, और इसको हम एक्नोलेजमेंट कह देते हैं। और फिर ये यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होगा, कौन से एंड से किस एंड, यहाँ से लेके ये यहाँ तक ट्रांसमिट होगा। सो ये हो गया दूसरा प्रोपोगेशन टाइम टीपी। तो ये हो गई कंप्लीट प्रोसेस और ये हो गए सारे टाइम। एक बार इसको फिर से हम देख लेते हैं, ये प्रोपोगेशन टाइम है, ये डेटा टाइम है, ये एक्नोलेजमेंट टाइम है, क्यूइंग टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है, और ये प्रोपोगेशन टाइम। दो प्रोपोगेशन हुए, कौन कौन से प्रोपोगेशन हुए, एक तो डेटा फ्रेम यहां से यहां पहुंची तो टीटी डेटा, और जो दूसरा जो है आपका एक्नोलेजमेंट फ्रेम इधर से इधर पहुंची, ये स्टॉप एंड वेट का फंडामेंटल है। ये दूसरी फ्रेम जनरेट करके भेजेगा नहीं जब तक कि पहली वाली का एक्नोलेजमेंट नहीं आएगा। तो अब सारे टाइम हमें पता चल गए, हमें इफिशियंसी का फॉर्मूला भी पता है कि यूजफुल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब सबसे पहले हम टोटल टाइम देख लेते हैं कि टोटल टाइम कितना होगा। तो टोटल टाइम होगा ये डेटा टाइम, यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रोसेस यहाँ पे खत्म हुई, तो इसके दौरान जितने भी टाइम आ रहे हैं वो सारे टोटल टाइम आएंगे। सो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको देखूँ, सो टोटल टाइम अगर देखना है तो द टोटल टाइम विल बी इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम टीटी, क्योंकि डेटा का टाइम, देन प्रपोगेशन टाइम, जो भी प्रपोगेशन डेटा को प्रपोगेशन के लिए लगा वो, देन टी क्यू, देन टी पी आर ओ, देन उसके एडिशन में आएगा आपका टी पी एक्नोलेजमेंट। तो ये सारा जो है पूरा का पूरा टाइम जो है वो किस में कंसिडर किया जाएगा, एक फ्रेम को यहाँ से पहुँच के यहाँ जाने और उसके एक्नोलेजमेंट यहाँ से यहाँ तक आने में, ये पूरा का पूरा टाइम होगा आपका टोटल टाइम। इसे एक कंप्लीट साइकिल, मतलब ये एक साइकिल आपकी कंप्लीट होगी, कंप्लीट एक प्रोसेस होगी। सो द टोटल टाइम विल बी टी पी प्लस, हम टी टी डेटा ले लेते हैं, देन प्लस टी क्यू प्लस टी पी आर ओ, दैट इज प्रोसेसिंग टाइम, प्लस अगेन दूसरा टी पी क्योंकि ये एक्नोलेजमेंट के लिए जो यूज किया गया था वो, प्लस टी टी ये एक्नोलेजमेंट। ओके, सो ये टोटल टाइम हो गया आपका। एज वी नो कि जो एक्नोलेजमेंट का टाइम है और डेटा का टाइम है वो जो दोनों है वो प्रपोगेशन के बराबर ही होंगे, और हमें ये भी पता है कि एक्नोलेजमेंट का साइज बहुत छोटा होने वाला है। नेचुरल है भाई, डेटा पैकेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है और एक्नोलेजमेंट तो छोटा ही होगा, तो नेचुरल है कि जो एक्नोलेजमेंट का टाइम है टी टी वो डेटा, और जो एक्नोलेजमेंट का जो टाइम है कंपैरेटिवली अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डेटा, क्योंकि डेटा की फ्रेम की साइज ज़्यादा होगी। एक्नोलेजमेंट में तो सिर्फ या तो पॉजिटिव एक्नोलेजमेंट होगा या नेगेटिव एक्नोलेजमेंट, इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, तो ये तो नेचुरल है कि इससे बहुत छोटा होगा। सो हम इसे क्या कह सकते हैं कि हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये टी क्यू और टी पी आर ओ इट इज ऑल्सो निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू दिस प्रपोगेशन टाइम एंड टी टी डेटा। डेटा के और प्रपोगेशन के कंपेरिजन में, दोनों के कंपेरिजन में ये दोनों वैल्यूज बहुत छोटी होंगी, इसलिए हम इन्हें भी क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास बचा कौन सा, दो टाइम, एक तो प्रपोगेशन टाइम जो कि यहाँ से यहाँ जाने में लगा और दूसरा यहाँ से यहाँ आने में लगा, तो दो बार का प्रपोगेशन टाइम हो गया, और साथ ही साथ ये डेटा, भाई डेटा की फ्रेम बहुत बड़ी थी इसी की वजह से हमने एक्नोलेजमेंट इसको और इसको निगलेक्ट किया है। सो इसका टाइम और ये दोनों टाइम, सो वी विल कंसिडर ओनली दिस दिस दिस। सो द टोटल टाइम नाउ इज, अब जो टोटल टाइम है इस निग्लेक्शन के बाद, टी क्यू इज इक्वल टू जीरो, टी पी आर ओ इज निग्लिजिबल, इसको भी जीरो कर दिया, बचा क्या है टी पी और यहाँ पे टी टी डेटा, एज टी टी एक्नोलेजमेंट इज वेरी लेस, बहुत कम है, बहुत छोटा है, इसलिए वो भी निग्लिजिबल है। तो टोटल टाइम में हमारे पास बचा है टी टी डेटा, इसको आप सिर्फ टी टी भी लिख सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि आप उसके साथ डेटा लिखे हमेशा। तो यहाँ पे हो गया टी टी डेटा प्लस टू टाइम्स टी पी जो कि प्रपोगेशन टाइम है। सो टोटल टाइम पता चल गया। नाउ अब अगर हम बात करें यूजफुल टाइम की, तो भाई यूजफुल टाइम तो वो टाइम है ना जिसमें हमने सिर्फ डेटा भेजा,
क्योंकि हम बैंडविड्थ का या जो मीडियम का जो टाइम यूज कर रहे हैं, जो चैनल का टाइम यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअल वही यूजफुल टाइम है जिसमें डेटा भेजा जा रहा है। ये बाकी सारा ये जो है ये तो सब वेस्टेज है। हम एक्नोलेजमेंट और ये हमारा एक्चुअल जब डेटा ट्रांसमिट होगा तो ही वो यूजफुल टाइम होगा। बाकी सबके लिए तो हम क्या कर रहे हैं, ये तो सब प्रोसेसिंग है। बाकी सब क्या है, प्रोसेसिंग है। तो हमारा यूजफुल टाइम कौन सा है, दिस। सो अवर यूजफुल टाइम इज दैट टाइम विच इज यूटिलाइज्ड बाय डेटा ओनली। सो द यूजफुल टाइम इज नथिंग बट टी टी। अभी मैं डेटा लिखना बंद कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर टी टी डेटा ही बचा, एक्नोलेजमेंट है ही नहीं, एक्नोलेजमेंट बहुत निगलिजिबल होता है, इसलिए टी टी। सो अगर इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है तो इफिशियंसी इज नथिंग बट यूजफुल टाइम, दैट इज टी टी अपॉन द टोटल टाइम जो हम पहले से ही निकाल चुके हैं। दिस इज टी टी प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय टी पी। ये हो गया आपका एक्चुअल इफिशियंसी, मतलब जो हमने भेजा सिग्नल उसकी इफिशियंसी कितनी हुई, टी टी अपॉन टी टी प्लस टू टी पी। इन सम बुक्स इट इज यहाँ पे ऐसा एक स्टार आपको लगा हुआ मिलेगा, सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। सो दिस इज इफिशियंसी विच कैन ऑल्सो बी रिटन इन अनदर फॉर्म, वेयर इफिशियंसी इज नथिंग बट टी टी से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, सो इट विल बी वन अपॉन वन प्लस टू टी पी अपॉन TT. And in most of the books, this TP upon TT is written as alpha or A. मैं यहाँ पे alpha use कर रही हूँ. So this is efficiency is equal to 1 upon 1 plus 2 alpha. So this is the efficiency of stop and wait protocol. ये हो गई आपकी stop and wait protocol की efficiency. Useful time divided by the total time. अब ये तो हो गई बात स्टॉप एंड वेट की। अब बता दूं आपको कि जो स्टॉप एंड वेट की जो हमारी इफिशियंसी है वही बेस है गो बैक टू एंड में और सिलेक्टिव रिपीट में। अभी पहले बात कर लें कि होता क्या है अगर हम गो बैक टू एंड में, हमें तो पहले से पता है, हम देख चुके हैं कि गो बैक टू एंड में होता क्या है। होता ये है कि हम जब डेटा भेज रहे हैं तो हम एक फ्रेम नहीं भेजते, वहां पे एक दो तीन चार पाँच छः, डिपेंड किस पर डिपेंड करता है, विंडो साइज पर डिपेंड करता है। जितना भी हम फ्रेम भेज सकते हैं भेजते हैं, विंडो साइज पर डिपेंड करता है। और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है तो वो जो विंडो है वो स्लाइड करती है, तो यहाँ पर विंडो साइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कितनी फ्रेम्स भेज सकते हैं, मान लेते हैं अगर मैं 10 फ्रेम भेज सकती हूँ तो हमारे पास 10 फ्रेम एक साथ साइमल्टेनियस, मतलब एक के बाद एक हम 10 फ्रेम भेज सकते हैं। तो अब हमारा जो यूजफुल टाइम है यहाँ पर टी टी था, अब हम कितनी फ्रेम्स भेज सकते हैं गो बैक टू एन में, हम उतनी फ्रेम भेज सकते हैं गो बैक टू एन में जितनी फ्रेम्स भेजने के बाद एक्नोलॉजमेंट ना आए या एक्नोलॉजमेंट का वेट करना पड़े और विंडो स्लाइड ना करें, तो मैक्सिमम विंडो साइज तक भेज सकते हैं, मैक्सिमम विंडो साइज प्लस वन। वन क्यों, क्योंकि हम यहां से सिर्फ फ्रेम भेजेंगे और उसका जो एक्नोलॉजमेंट आएगा तो वो भी आपको कहीं ना कहीं तो मेंशन करना पड़ेगा, एक विंडो साइज तो वो भी लेगा, वो भी कंसिडर करेगा। सो जितना भी आपने यहां से भेजा, मान लेते हैं अगर वो 9 है या 8 है या 10 है 15 है जो है, उसमें प्लस 1 उसका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो ये आपके टोटल विंडो साइज पे डिपेंड करेगा कि हम कितने देर तक इंतजार कर सकते हैं। मतलब हम 10 फ्रेम भेजेंगे और फिर जब तक उसका एक्नोलेजमेंट नहीं आएगा उसके बाद अभी रुकना पड़ेगा, क्योंकि विंडो स्लाइड तभी होगी जब इन 5 या इन 10 या इन 11 जो भी हमने क्राइटेरिया मेंशन किया है उसका एक्नोलेजमेंट आए। तो यहाँ स्टॉप एंड वेट और गो बैक टू एंड में ये डिफरेंस बहुत अच्छा है कि वहाँ पर सिंगल फ्रेम के लिए आपको एक्नोलेजमेंट कंसिडर करना है, यहाँ पर क्या है यूजफुल टाइम बढ़ जाएगा। और कितने से बढ़ जाएगा, दिस यूजफुल टाइम विल गेट इंक्रीज, कितने से, जितना कि आपका विंडो साइज होगा। अब मान लेते हैं गो बैक टू एंड के केस में अगर विंडो साइज W है, अगर W विंडो साइज है, तो अभी हमारा जो यहाँ पे इफिशियंसी थी जो हम स्टॉप एंड वेट को ही बेस मान के चल रहे हैं, तो स्टॉप एंड वेट में दिस इज टी टी अपॉन टी टी प्लस टू इंटू टी पी। तो यहाँ पे ये जो टी टी है यूजफुल टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। यूजफुल टाइम कैसे बढ़ जाएगा, अब यहाँ एक फ्रेम नहीं भेज रहे हैं क्योंकि ये तो डेटा की एक ही फ्रेम थी, अभी यहाँ पे हम कितनी फ्रेम्स भेज पा रहे हैं, 8, 9, 10, जितनी भी डिपेंड्स ऑन कि हम कितना विंडो साइज कंसिडर कर रहे हैं। सो अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं, दिस इज टी टी मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ डब्ल्यू, मतलब मॉड इसलिए ले रहे हैं वैल्यू कि वो एक नंबर हो, कोई फिक्स एक पर्टिकुलर नंबर हो, तो टी टी इंटू डब्ल्यू अपॉन
टी टी प्लस टू इंटू टी पी। अब ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है, क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यूजफुल टाइम कितना टाइम है जितने में फ्रेम्स हम भेज सकते हैं, और कितनी फ्रेम भेज सकते हैं, वो उतनी फ्रेम भेज सकते हैं जितना हमारा विंडो साइज होगा। तो विंडो साइज मल्टीप्लाइड बाय द डेटा टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखिए भाई, टोटल टाइम में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि टोटल टाइम तो जो रहेगा वो डेटा का जितना टाइम था वही रहने वाला है, और नेचुरल है। 10 फ्रेम को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं भेजने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट का टाइम, तो यहाँ पे जो जो टी टी एक्नॉलेजमेंट है तो नेचुरल है, जहाँ एक फ्रेम के कंपैरिजन में हम मान रहे हैं कि वो निग्लिजिबल था, तो गो बैक टू एन में तो ये बहुत ज्यादा निग्लिजिबल हो जाएगा। अब बची बात टी क्यू और टी पी आर ओ, जो कि क्यूइंग टाइम था और प्रोसेसिंग टाइम था, तो नेचुरल है 10 फ्रेम यहाँ पे रिसीव होने वाली है, तो ये प्रोसेसिंग टाइम और क्यूइंग टाइम भी किसके लिए, इस एक्नॉलेजमेंट के लिए कंपैरिजन में ये बहुत ही कम होगा। मतलब अगर आप 10 फ्रेम के टाइम से इनको कंपेयर करें तो दोस टू टाइम्स आर वेरी निग्लिजिबल। इसलिए यहाँ पर सिर्फ टी टी डेटा को हम ले रहे हैं, और कितना डेटा, अगर 10 फ्रेम है तो 10 और 15 है तो 15। यहाँ पे हमने सिंपली उसको क्या कर दिया, विंडो साइज को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि स्टॉप एंड वेट की एफिशिएंसी इसका बेस है। सो नाउ दिस इज डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाइड बाय टीटी, इसको फिर से उसी वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा वाले फॉर्म में। सो इट विल बी डब्ल्यू अपॉन 1 + 2 अल्फा। सो दिस इज अवर गो बैक टू एन एफिशिएंसी। नाउ कम्स द लास्ट टर्म, अब बचा क्या है, सिर्फ सिलेक्टिव रिपीट। हम फिर से थोड़ा सा प्रोसेस में चलें, अगर स्टॉप एंड वेट के कंपैरिजन को हम देखते हैं कि गो बैक टू एन में क्या हो रहा था, कि वो कौन सी जगह से जब रिपीट करता है, तब रिपीट करने पे वहां पर क्या होता है कि हम कितनी फ्रेम्स तक रिपीट कर सकते हैं, कि कोई डब्ल्यू तक रिपीट कर सकते हैं। जब हम सिलेक्टिव रिपीट के बारे में बात करें तो हमें यूजफुल टाइम के बारे में बात करनी है, और यहाँ यूजफुल टाइम कौन सा टाइम है। देखिए, अगर निगेटिव एक्नोलॉजमेंट आता है तो कैसे गो बैक टू एन काम करता है और कैसा सिलेक्टिव रिपीट काम करता है, दैट विल चेंज। बट द यूजफुल टाइम, जो यूजफुल टाइम है आपके पूरे के पूरे चैनल का, उसमें कोई चेंज नहीं है भाई। विंडो साइज पर डिपेंड कर रहा था, अगर गो बैक टू एन और सिलेक्टिव रिपीट में हमने अगर विंडो साइज मान लिया है कि 10 है, तो दोनों ही 10 फ्रेम पहले भेजेंगे और फिर 1 एक्नॉलेजमेंट की फ्रेम आएगी, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। फर्क कहाँ आ जाता है, जब फ्रेम कोई डैमेज हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तब जाके गो बैक टू एन और सिलेक्टिव रिपीट में डिफरेंस आ जाता है। बट अगर टेक्निकली देखा जाए, अगर नॉर्मल बिहेवियर में, नॉर्मल मतलब अगर डेटा फ्रेम भेजते रह रहे हैं, उनका एक्नोलेजमेंट आ रहा है, सो द गो बैक टू एन एंड सिलेक्टिव रिपीट आर एग्जैक्टली दोनों एक तरीके से काम कर रहे हैं। फर्क कहाँ आ रहा था, जब हम डैमेज फ्रेम का कंट्रोल कर रहे थे। डैमेज फ्रेम में क्या हो रहा था, गो बैक टू एन उन सारी फ्रेम को रिपीट भेजता है जहां से एरर आई है, अगर सेकंड में आई है तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारी फ्रेम्स भेजता है, और सिलेक्टिव रिपीट क्या करता है भाई, स्पेसिफिकली सिर्फ सेकंड भेजता है। बट ये तब की सिचुएशन है जब फ्रेम डैमेज होती है, अदरवाइज कंप्लीट अगर इनकी इफिशियंसी हो किस पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है कि विंडो साइज कितना है। तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में, मतलब अगर ये प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मली चल रहा है, कोई डैमेज फ्रेम नहीं है, सो द इफिशियंसी ऑफ गो बैक टू एन एंड द सिलेक्टिव रिपीट आर कंप्लीटली सेम, यही रहने वाली है W अपॉन 1 + 2 अल्फा। क्यों, क्योंकि दोनों ही केसेस में पहले नंबर ऑफ फ्रेम्स भेज दी जाएगी और फिर उसका एक्नोलेजमेंट आएगा, आइदर 5 फ्रेम्स के बाद, 10 या 15 फ्रेम के बाद, और फिर नेक्स्ट फ्रेम्स भेजी जाएंगी और विंडो क्या होगा, स्लाइड होगा, ये हम देख चुके हैं। सो अगर इफिशियंसी के बारे में बात करें, तो इसकी इफिशियंसी जो है सिलेक्टिव रिपीट एंड गो बैक टू एन आर सेम, दोनों की कैसी है, सेम इफिशियंसी है। तो दिस इज इफिशियंसी। अब अगर ये तो हमने इसको मैथमेटिकली देख लिया, अब अगर इसको ऐसे देखें कि हम यूजफुल टाइम किसमें ज्यादा यूज कर पा रहे हैं, मतलब यूजफुल टाइम किसमें ज्यादा है, तो नेचुरली आप यहाँ देख सकते हैं टी टी इंटू डब्ल्यू यहाँ पे ज्यादा यूजफुल टाइम है। अगर आप स्टॉप एंड वेट की टर्म से कंपेयर करें इफिशियंसी, तो टी टी सिर्फ सिंपल टी टी यहाँ पे डब्ल्यू, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा डेटा भेज सकते हैं गो बैक टू एन में या सिलेक्टिव रिपीट में, और फिर वेट करेंगे उसके एक्नोलेजमेंट का। सो नेचुरल है कि इसकी इफिशियंसी स्टॉप एंड वेट से बेटर ही होगी, और इसलिए यूजुअली आप गो बैक टू एन और या सिलेक्टिव रिपीट इस तरीके की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि स्टॉप एंड वेट कैसा है, इंडिविजुअल फ्रेम के लिए होता है, तो इस नेचुरल इसकी इफिशियंसी अगर गो बैक टू एन या सिलेक्टिव रिपीट से कंपेयर करेंगे तो कमी होगी, कितने कम, डब्ल्यू से कम होगी।
क्योंकि आप इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, दिस इज डब्ल्यू टाइम्स ग्रेटर देन दिस। सो ये है आपकी स्टॉप एंड वेट, गो बैक टू एंड नोट, सिलेक्टिव रिपीट, एआरक्यू प्रोटोकॉल्स की इफिशियंसीज़।